साथियों, आज ओडिशा की इस धरती से मैं अपने वैज्ञानिकों को, देश की रक्षा सुरक्षा के चौकीदारों को फिर एक बार बधाई देता हूं। आप सब भी हमारे देश के सुरक्षा बलों के लिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा करके उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए। जब हमारे विरोधी सेना को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जब हमारे विरोधी वैज्ञानिकों के सिद्धियों को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, तब जनता जनार्दन तालियों की आवाज से उनका मुंह बंद करे। दो दिन पहले ही उड़ीसा एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह बना है जिसने पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित कराया है। भारत अब अंतरिक्ष में भी चौकीदारी करने में सक्षम है। साथियों, जब अंतःकरण साफ होता है तो अंतरिक्ष में भी सफलता तय होती है। ये नए भारत के नए आत्मविश्वास की ताकत है जिस पर पूरा देश आज गर्व कर रहा है। और हां, जिन लोगों को भारत की ये उपलब्धि छोटी नजर आती है, उनकी कथनी और करनी को भी पूरा देश देख रहा है। 7 दशकों से गरीबों के साथ गद्दारी कर रहे लोग अब इतना बौखला गए हैं कि देश के वैज्ञानिकों, देश की सेना, देश के नौजवानों के सामर्थ्य सबका आए दिन सुबह शाम अपमान करने लगे हैं। क्या ये अपमान आपको मंजूर है? ये अपमान हम स्वीकार कर सकते हैं? ये अपमान करने वालों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सेना का अपमान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? वैज्ञानिकों का अपमान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? उड़ीसा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भारत आतंकियों पर कार्रवाई करता है, उन्हें घर में घुसकर मारता है, तो भी ये लोग सबूत मांगते हैं। आप मुझे बताइए, आपको सेना पर भरोसा है कि नहीं है? सेना पराक्रम करने में सामर्थ्यवान है कि नहीं है? सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खाने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया है? आपको भरोसा है? आपको विश्वास है? ये हमारे विरोधियों को नहीं है। एक महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। साथियों, मतदान के दिन जब आप
पोलिंग बूथ जाएंगे तो एक स्पष्ट मन बनाकर जाइएगा। आपको यह तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। आप बताइए, दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूंछ दबाकर भागने वालों की जरूरत है क्या देश को? आपको यह तय करना है कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारेबाजी करने वाली सरकार चाहिए? निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? कड़े निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? समय पर निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ओडिशा और भारत को मजबूत करने वाली सरकार चाहिए या कमजोर मजबूर सरकार चाहिए? आपको मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? उड़ीसा को मजबूत सरकार की जरूरत है कि नहीं है? हिंदुस्तान को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको तो मजबूर सरकार चाहिए। ऐसी ढीली ढाली 10 कदम चलने में भी 10 मिनट लग जाए, क्या ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको तय करना है कि जिस कांग्रेस को आपने दशकों तक उड़ीसा का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस बीजेडी को विकास के लिए इतना समय दिया, उसे आपका भरोसा तोड़ने की क्या सजा दी जाए? सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये मौका जाने देंगे क्या? आप बार बार चूक जाते हैं और इसी से वो मजा ले रहे हैं। अब हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? आपको तय करना है कि जो सरकारें नक्सली हिंसा पर काबू नहीं पा सकती, जो उसके आगे कमजोर नजर आती है, उन्हें क्यों सजा न दें?